दोस्तों आपके लिए लेकर आ गया हूँ यहाँ नया वीडियो यहाँ मैं एक बाथरूम का आपको यहाँ पे दिखाऊंगा बाथरूम में टाइल का काम हो रहा है और इसमें जो टाइल लगाई जा रही है ये कजारिया की यहाँ पे वॉल टाइल और फ्लोर टाइल लगाई जा रही है तो ये जो आज का वीडियो है ये टोटल हमारा टाइल के ऊपर होने वाला है कि बाथरूम में हमें किस टाइप की टाइल लगाया जाए क्या पैटर्न रखा जाए कैसा डिजाइन रखा जाए मैं आपको यहाँ डिजाइन दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत इसमें यह हाईलाइटर जो है ये दो टाइल यहाँ पे हाईलाइटर यानी दो फिट ये हाईलाइटर यूज किया गया है पूरा लंबी नीचे आप देखिए यहाँ पे वाइट कलर का ये टाइल लगाई गई है ये आपको मैं आगे डिटेल में भी दिखाऊँगा इस का डब्बा भी दिखाऊंगा साथ में इसका पैटर्न दिखाऊंगा ऊपर आप देखिए उसी वाइट का यहाँ पे जो थोड़ा सा ईयर लोइस या इसको हम ब्राउन कह सकते हैं वो यहाँ पे पैटर्न रखी गई है यानी तीन फीट की एक ऊपर फिर बीच में फिर एक और तो तीन फीट ऊपर में यहाँ हल्का ये यह ब्राउन टाइप की रखी गई है बीच में दो फीट हाईलाइटर रखी गई है फिर नीचे तीन फीट यहाँ पर वाइट कलर की कजारिया की हिट वॉल टाइल रखी गई है तो ये जो है हमारा टोटल पहले मैं बता दूं आपको कि बाथरूम का जो साइज़ है ऐसे आप देख रहे हैं ये पाँच फीट है और इसकी जो लंबाई है ये आठ फीट की है तो पाँच फीट बाई आठ फीट का यह बाथरूम है और इसमें हम फ्लोर टाइल भी कजारिया का लगा इसमें रहे हैं। दोस्तों फ्लोर टाइल भी अभी लगाई जानी है उसका भी मैं पैटर्न दिखाऊंगा कितने की आपको पेटी मिलती है वॉल टाइल की फ़्लोर टाइल की और जो इसमें टाइल लगाने का जो लेबर रेट है ये टोटल एक बाथरूम बनाने में तो ये लेबर रेट कितना गया है और फिर टाइल इसमें जितनी टाइल लगी है इसमें सीमेंट लगा है इसमें ग्राउटिंग के लिए मटेरियल लगा है प्लस इसमें आपका जो है फ़्लोर टाइल जो लगी है उसका सब कुछ इंक्लूड करके मैं आपको पूरा रेट भी बताऊंगा कि अगर आठ बाई पांच का आप एक बाथरूम बनाते हैं तो आपको टोटल कितना खर्चा होना तो दोस्तों ये भाई पाँच फीट का यानी कि टॉयलेट है इसकी ऊंचाई भी आठ फीट है तो यहाँ पे दो दीवारें हमारे आठ बाई आठ की हो गई यानी कि चौंसठ और प्लस चौंसठ यानी कि लगभग आपका 130 स्क्वायर फीट वो हो, हो गई और सामने की जो दीवार है वो पाँच फीट चौड़ाई है और आठ फीट ऊंचाई है तो 40 फीट की वो दीवार हो गई और फिर सामने जो यहाँ पर हमारा मेन दरवाज़ा है वहाँ पे भी हमारा 40 स्क्वायर फीट आ रहा है लेकिन बीच में क्या है वहाँ हमारा दरवाज़ा का एरिया अगर हम काट लेते हैं तो 20 स्क्वायर फीट वहाँ हो गया तो टोटल जो हमारा एरिया निकल के आ रहा है ये 130 प्लस 40 प्लस 20 यानी कि हमारा लगभग एक स्क्वायर फीट हमारा यहाँ टोटल एरिया निकल के आ रहा है वाल टाइल के जो यहाँ पर कजारिया की वाल टाइल लगाई गई है तो आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई भी यहाँ पे जो रखी गई है बाथरूम की वो आठ फीट की रखी गई है ये टोटल हाइट नौ फीट की थी लेकिन एक फीट वहाँ पे सीलिंग का काम किया जा रहा है तो सीलिंग में चला गया है तो इस तरीके से हमारा जो टोटल एरिया हो रहा है एक स्क्वायर फीट हो रहा है हाँ आप पेटी देख सकते हैं मैं आपको पेटी दिखा रहा हूँ जो कजारिया की टाइल वॉल टाइल हमने यूज़ किया है ये कजारिया डिजिटल तीन सौ बाई छः का ये टाइल आप बॉक्स देख सकते हैं इस एक बॉक्स में एक दस फिट माल है यानी कि पाँच पीस टाइल है और एक इसका जो टाइल का साइज है एक फीट बाई दो फीट का है तो टोटल जो इसमें माल है हमारा दस फीट है तो एक सौ नब्बे स्क्वायर फीट हमारा टाइल हो रहा था तो जो टोटल इसमें पेटी हमारी लगेगी वो एक सौ नब्बे बाई आप दस करेंगे तो लगभग उन्नीस पेटी यहाँ पे लगने वाली तो है एक पेटी जो टाइल है वो हमें लगभग छह सौ पचास रुपए का मिली है तो यहाँ पे जो है अगर स्क्वायर फीट की बात की जाए तो इसमें एक पेटी में दस फीट टाइल है तो छह बाई आप दस करेंगे तो पैंसठ रुपए फीट आपको ये मार्केट में टाइल मिल जा रही है तो ये कजारिया टाइल के हिसाब से बहुत अच्छा रेट है आप भी अपने बाथरूम में लगा सकते हैं अब बात करें दोस्तों की टोटल हमारा बाथरूम में जो वाल टाइल लगाने का खर्चा हुआ है वो हुआ है देखिए सिर्फ पे यहाँ पे टाइल की बात करूं तो लगभग बारह हजार बारह हजार तीन सौ रुपया हमें ये वॉल टाइल पड़ गया है और जो हमारा फ्लोर टाइल है फ्लोर टाइल जो जो आप देख रहे हैं ये जो फ्लोर टाइल है इस एक पेटी में हमारा पीस टाइल टाइल है है यानी का ये तो टोटल इसमें दस पीस टाइल है यानी कि दस फीट अब हमारा आठ बाई पांच का ये बाथरूम था यानी कि चालीस स्क्वायर फिट हमारा इसमें माल लगना है तो यहाँ चार पेटी हमारा ये फ्लोर टाइल लगने वाली है और एक पेटी का दाम है यहाँ साढ़े पांच सौ रुपया तो करीबन यहाँ बाईस सौ रुपए का हमारा फ्लोर टाइल यहाँ पे हो जाता तो है तो आप और ये काफी अच्छा और बढ़िया यहां पे है, यह है, यह यह है यहाँ से फिसलने या गिरने का चांस नहीं रहता है और ये हमारे बाथरूम में भी काफी अच्छा लुक देता है तो ये दोस्तों अब फ्लोर टाइल वाल टाइल अगर हम बाथरूम का जोड़ ले तो करीबन जो हमारा टोटल इसमें खर्चा पड़ जाता है ये पंद्रह हजार पाँच सौ रुपये ये हो गया और जो यहाँ पे लेबर इस टाइल को लगाने का ले रहे हैं वो पंद्रह रुपये स्क्वायर फीट ले रहा है तो चालीस स्क्वायर फीट हमारा फ्लोर टाइल और वॉल टाइल हमारा एक स्क्वायर फीट दोनों को जोड़ दिया जाए तो दो स्क्वायर फीट हो रहा है तो दो सौ तीस आप पंद्रह करेंगे तो लगभग आपका पैंतीस सौ रुपये यहाँ लेबर का चार्ज लग रहा है तो साढ़े और प्लस पैंतीस सौ यानी कि उन्नीस हज़ार आपका ये टोटल खर्चा हो गया फिर इसमें आप एक हज़ार रुपया सीमेंट का चार्ज जोड़ लें करीबन टोटल आपका दो सौ तीस स्क्वायर फीट टाइल लगाना में जो सीमेंट आपका तीन बोरी यहाँ पे लग जाएगी पचास के जी की तो लगभग चार सौ रुपये के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो करीब बारह सौ से पंद्रह सौ रुपये आप सीमेंट का जोड़ लें तो ये जो है आपका बीस साढ़े बीस हज़ार हो गया और फिर आपका इसमें दो चार पाँच सौ रुपये आप एक्स्ट्रा जो जोड़ जोड़ लें उसका ग्राउटिंग का सैंड का तो लगभग एक हज़ार रुपये और जोड़ लें तो टोटल बाईस हज़ार रुपये में आपका ये पूरा बाथरूम यहाँ पे तैयार हो जाएगा इसमें आपका सैंड का भी मैं जोड़ लिया बालू भी जोड़ लिया इसमें सीमेंट भी जोड़ लिया इसमें आपका लेबर चार्ज आ गई इसमें आपका डिजिटल वॉल टाइल भी आ गई कजारिया की और इसमें आपका जो ये फ्लोर टाइल भी आ गई तो ये टोटल अब बाईस हज़ार रुपये में आठ बाई पाँच का बेहतरीन यहाँ पे बाथरूम बना सकते हैं इसमें कजारिया की टाइल लगा सकते हैं अगर आप लोकल टाइल भी लगवाएंगे तो भी आपका यहाँ पर सोलह सौ से सोलह हज़ार से सत्रह हज़ार तक की खर्च आने वाली है तो दोस्तों आप कोशिश करें कि कजारिया के वहाँ पर टाइल लगाई जाए आपको जैसा पैटर्न चाहिए जिस भी तरीके का आपको सस्ते में अगर आप ज़्यादा मटेरियल लेते हैं तो सस्ते में आपको मिल जाता है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे